45 साल की सुंदरी पलानी बेल मुंबई के आरे मिल कॉलोनी में रहती हैं और गोकुलधाम इलाके में लोगों के घरों में हाउस हेल्प का काम करती हैं। ये जो सोने के गहने इनके हाथों में आप देख रहे हैं, इन्हें ये खो चुकी थी। जिस तरह से इन्हें अपने ये गहने वापस मिले हैं, इसमें मुंबई पुलिस की मेहनत के साथ साथ एक मूषक महाराज की भी कृपा है। हुआ यूं कि गोकुलधाम के घर में अपना काम खत्म करने के बाद सुंदरी सोमवार को इन गहनों को बैंक में गिरवी रखने के लिए जा रही थी ताकि बेटी की शादी के लिए लिया कर्जा उतार सके। चलते वक्त घर की मालकिन ने सुंदरी को वड़ा पाव खाने को दिए, जो सुंदरी ने इस थैली में डाल लिए, जिसमें इन्होंने 10 तोले गहने रखे हुए थे। सुंदरी जब बैंक जा रही थी तो रास्ते में उन्हें एक भिखारिन और कुछ बच्चे मिले। सुंदरी ने उन्हें वड़ा पाव खाने के लिए वो थैली दे दी, पर वो ये भूल गई कि उसी थैली में गहने भी रखे हैं। बैंक पहुंचकर सुंदरी को जब याद आया कि गहने वाली थैली तो उन्होंने भिखारियों को दे दी है, सुंदरी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो भागी भागी उस जगह पहुंची जहां भिखारिन और उसके बच्चों को उन्होंने वड़ा पाव खाने को दिए थे, पर वहां भिखारिन और उसके बच्चे नहीं मिले। जब पुलिस ने वो कचरे का ढेर सब खोजा तो उधर कुछ भी नहीं मिला, तो जब एक सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें नजर आया कि वो औरत ने रिक्शा में से वो थैला कचरे के ढेर में फेंक दिया था। दरअसल अपनी मालकिन का दिया जो वड़ा पाव सुंदरी ने भिखारिन को खाने को दिया था, वो उसे सूखा और बासी लगा, इसलिए उसने पूरी थैली बिना अंदर देखे ही कूड़े के ढेर में फेंक दी। पुलिस ने भिखारिन की बात की तस्दीक करने के लिए इलाके का सीसीटीवी चेक किया तो ऑटो में बैठी भिखारिन थैली को कूड़े में फेंकती दिखी। अब पुलिस ने अपनी जांच कूड़े के ढेर पर फोकस कर दी। कूड़े के ढेर को खंगालना शुरू किया गया, मगर काफी छानबीन के बाद भी सोने के गहने वाली थैली वहां नहीं दिखी। पुलिस ने उस कचरे के ढेर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पता चला कि जिस कचरे की थैली की तलाश पुलिस कर रही है वो तो चूहे के कब्जे में है। दरअसल चूहा उस थैली में घुसकर उसमें रखा हुआ वड़ा पाव खा रहा था और इधर उधर घूम रहा था। निरीक्षण करने के बाद ऐसा दिख गया कि वह जो थैली थी वो चूहे एक गटर में लेके गए, ऐसा उसमें दिख गया। तो पुलिस ने पूरा गटर छान मारा तो वो थैली और 10 तोला सोने के गहने पुलिस को सुरक्षित मिल गए थे। मूषक महाराज की दिलचस्पी सोने से ज्यादा मुंबई के सबसे फेवरेट स्नैक वड़ा पाव में थी। वो थैली से वड़ा पाव पूरी तरह साफ कर चुके थे, पर सुंदरी का एक एक गहना थैली के अंदर बिल्कुल सही सलामत था। पुलिस सोने वाली थैली को लेकर पुलिस स्टेशन आ गई, जहां बाद में सुंदरी को बुलाकर उनके सारे गहने उन्हें सौंप दिए गए। गहनों की कीमत करीब 5 लाख रुपए है। मुंबई से दिवेश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।